द्वारा जो बना रखी है वो लोक वेद, उसके आधार से उस समय होता है, उससे पहले 10 मिनट 20 मिनट रास्ते अनुसार वो अपने प्रस्थान कर देते हैं। सबसे पहले नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने की तैयारी में। नागा होते हैं वो नगन रहते हैं, बिल्कुल नीवस्त्र रहते हैं और शरीर पर राख वगैरह लगा लेते हैं। वैष्णो साधु विष्णु जी के उपासक हैं, पीछे से वैष्णो ग्रुप चला गया। वैष्णो साधुओं ने कहा उन नागाओं से कि नागाओं हम पहले स्नान करेंगे, तुम मत स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सद्गुण विष्णु जी के उपासक हैं। अब नागाओं ने कहा कि नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और वैरागी हैं, नी वस्त्र हैं, हम नी इच्छा हैं, हम वस्त्र भी धारण नहीं करते हैं, हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे कि नहीं, हम श्रेष्ठ हैं, हम सर्वप्रथम स्नान करेंगे, तुम काहे के श्रेष्ठ हो। नागाओं से कहने लगे तुम सरड फरड़ टट्टी के हाथ भी ना धोते, पशु की तरह नंगे फिरते हो, बाहर मरो, पहले हम नहावांगे, बाहर आओ। अब वो नहाना स्नान करना तो भूल गए, आपस में उसने उसका झुंड जुट पकड़ लिए, बाल रूस ने उसके गुट्टम गुट्टा बुड़कम बुड़का, तलवार निकाल लाई, न सीधी काट कर्द मारन लगे तलवार से तीर से, पता नहीं किस किस प्रकार वहाँ कतलेआम मचा दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक आपस में लड़का मर गए। उसके विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाने वाजा करद चलावे हैं, काटे शीश नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। कहते हैं हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने और वहां जा करद चलावे हैं। 25,000 ये त्रिगुण पासक कटका मर गया आपस में, कहते काटे शीश नहीं दल करुणा, एक दूसरे का गर्दन काट रही हर साधु को आवे, इनका दया भी कोनी। तो वही गीता जी बता रही है कि इन त्रिगुणमयी माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अस्थाई लाभ सिद्धि साधियों में ये अपना जीवन विनाश करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी ना करते। अब धर्मदास जी ये बात सुन रहा है और कति हृदय में गढ़ रही है कि बात तो सारी सच्ची कहे महात्मा जी, लेकिन यू अभिमान है, ये अभिमान और पुराना ये रंग हजारों वर्षों का हमारा चढ़ा हुआ। अब परमात्मा कहते हैं गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए ईब जड़े नहीं जाड़े। अब धर्मदास ने सारी आंखें देख ली, फिर भी धर्मदास जी कहने लगे बाबा जी तू मुसलमान है इसलिए तू हमारे हिंदू देवताओं की बदनामी करना चाहता है। और सुन ले, उद्देश्य ये था कहने का कि तुम मांस खाते हो मुसलमान हो, और धर्मदास जी कहता हम जीव हिंसा नहीं करते, हम औरों की तरह जीव हिंसा नहीं करते, और आगे से मेरे से इस टॉपिक पर बात मत करिए बाबा जी, बस फाइनल कह दिया। यानी इतना दुख मान गया और सच्चाई सामने रखी है, परमात्मा ने पता था काल प्रवेश कर गया, ये इसके अंदर आ गया काल बेटी का बाप, एकदम अंतर ध्यान हो गया परमात्मा वहां से सामने से। अच्छा भाई धर्मदास जी मैं कह तो तेरी हित में रहा था बच्चा, आप आगे तेरी इच्छा ना स्वीकार कर, नाराज ना हो मेरे से, न्यों कहकर अंतर ध्यान हो गए। दृश्य सामने से अब सर घूम गया तो उसका धर्मदास का, अब सामने से एकदम अदृश्य हो जा, कलेजा पाट गया, अब ये तो भगवान था, ये तो परमात्मा थे, ओए होए देख कितनी सच्चाई बतावे थे, अपने आप को कोसने लगा मैं कितना दुष्ट नीच हूँ, ओए होए सच्चाई आंखों देख कर भी नहीं माना।
अब पुण्यात्मा सारा दिन इसी चिंतन में गया, काफी आधा दिन तो चला गया था ये वार्ता में। अब शाम होगी, शाम ने इसी चिंतन में पड़ कर सो गया ही भगवान। देख मैंने कैसा अनमोल अवसर खो दिया और रो रहा है। अन्यों का ये भगवान एक बार फिर आ जाओ, एक बार फिर से दर्शन दे दो, मैं बिल्कुल विवाद नहीं करूँगा, विनम्रता से अपनी शंका का समाधान करवाऊँगा। सारी रात सोया नहीं, करवटे बदलता रहा, वो वार्ता याद आ रही है। भगवान अदृश्य हो गए, अब ना मिले तो बात बिगड़ेगी, क्योंकि ये पूजा तो करण की कोई ना जो मैं कर रहा था। अब सुबह ना तो स्नान कराया, ना वो पूजा पाठ करी, सुबह उठ कर ने सोची दो रोटी बना लो फिर चल लूँगा, रास्ता तय करूँगा। वक़्त से उठ लिया, लकड़ी तोड़ कर लाया था जंगल से, शाम ने रख रखी थी वहाँ सुबह खाना बनाने के लिए। चूल्हे के ऊपर रोटी बनाई अपनी, एक लंबी लकड़ी लगा दी, मोटी लकड़ी थी, बीच से वो होलो थी, थोथी थी, और उसकी सहयोगी लकड़ी लगा कर आग जला दी। रोटी पौन लग गया, भात बना ली, सब्जी बना ली, और इसी दौरान सूर्य उदय होने वाला ही था, रोशनी सी होगी। उधर से वो लकड़ी जलती जलती चूल्हे के निकट आगे उसका एंड, क्या देखा धर्मदास जी ने रोशनी होते ही कि उस लकड़ी के अंदर से जो थोथी थी उसके अंदर से चीटियां अपने अंडे मुख में लेकर बाहर निकलने का प्रयत्न कर रही है, और लकड़ी के पीछे लास्ट एंड में एक तरल पदार्थ सा उबल रहा होता है जो थोड़ी सी गिल्ली होती है। अब चीटियां वहां से निकलना चाहती हैं और वो उस तरल पदार्थ के ऊपर पानी से उबल रहा था लास्ट में, उस पर चटक चटक होकर मर रही है, आगे से अग्नि में जल रही है। अब धर्मदास जी ने सोचा, हे भगवान आज तो नाश हो गया कति, आज तो घोर पाप हो गया भगवान, इतनी लंबी लकड़ी थी या, और अब इसमें जलते जलते या एक फुट की रहेगी, इसमें तो करोड़ों चीटियां मरगी जलके। एकदम कांप गया सारा, लोटा पानी का डाल दिया, जितनी सब्जी रोटी बनी थी बन गई, बुझा दी आग तुरंत। अब रोन लग गया बैठ के, अके भगवान इतना पाप है, आज तो ढेर ला लिया मैंने पाप का। फिर सोचा कि इसका कैसे प्रायश्चित करूं, अपने आप आइडिया ला लिया कि आज मैं निराहार रहूंगा, और ये आहार किसी साधु संत को खवा दूंगा जो रोटी मैंने बनाई है जिसमें ये चीटी जल गई। इस उद्देश्य से सब रोटियों को रख के थाली में, सारी सब्जी को ऊपर कपड़ा डाल के, और ले चला साधु की तलाश में, तालाब के चौगरदे घूमने लग गया। थोड़ी सी दूर पर गए थे वही परमात्मा अन्य वेशभूषा में, जो हिंदू संत होते हैं महात्मा उस तरह के रूप बना के, लाल से कपड़े, और एक वृक्ष के नीचे बैठे। धर्मदास जी की दृष्टि गई कि हाँ महात्मा बैठे हैं। वहाँ जाकर कहा, ले महाराज भूख लगी होगी, भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, हाँ धर्मदास भूख लगी है भाई। अब धर्मदास नाम सुना थोड़ा चौकन्ना तो हुआ, फिर सोचा मैं बहुत भंडारे करता हूँ और ये साधु कभी भंडारे में आया होगा, मुझे जानता होगा, रख दिया। परमात्मा एक लोटे में जल लिए हुए थे अपना, उस जल को उठाया, एक मंत्र बुदबुदाया और जल पूरी थाली पर, रोटियों पर, सब्जी पर छिड़क दिया, छींटे ला दिए। उसी समय सभी रोटी की और सब्जी की चीटी बन गई और सारी थाली काली होगी, चीटी मुँह मंडे ले रही और पूरी थाली भर गई, नुनकलो बार गुच्छे के गुच्छे। और फिर परमात्मा उसी रूप में आगे जिंदा वाले महात्मा में, जिसमें पहले दिन वार्ता हुई थी, और कहा, धर्मदास तेरे जैसा पापी इस पृथ्वी पर नहीं, तू क्या कह रहा था जीव इंसान ही करते हम, तू मुझे सुनाना चाहता था। देख के चरणा में पड़ गया, नाक रकड़ दिया, हे परमात्मा मन माफ कर दो, हे प्रभु मुझे सारी रात नींद नहीं आई, मैं पापी आत्मा दुष्ट हूँ, मैंने आँखों देखकर भी आपकी बात को नहीं माना परमात्मा, मैंने तो आपको एक सिंपल मैन समझा था, हे प्रभु मुझे यह ज्ञान और बता दो।
तो परमात्मा ने उसको आगे सारी कहानी बताई, वो आपको मैं कल बताऊंगा। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी कबीर परम अक्षर ब्रह्म, ये पूर्ण परमात्मा हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं। ये वही परमेश्वर हैं जो बनारस में काशी में भारत की पवित्र भूमि पर सन 1398 में एक शिशु रूप धारण करके सतलोक से आके प्रकट हुए थे। लहर तारा नामक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर परमात्मा नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। उनका उद्देश्य यहाँ आने का यही होता है कि इस काल के द्वारा फैलाए गए भ्रम जाल को और आध्यात्मिक अज्ञान को समाप्त करो। अब ये जो समागम चल रहा है ये उसी खुशी में कि परमात्मा आए तो हमने अपने घर का ज्ञान हुआ। उस परमेश्वर ने आकर ही हमें ये ज्ञान दिया कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये तुम्हारा लोक नहीं है, या तुम बहुत कष्ट उठा रहे हो, तुम काल के जाल में फंसे हो और ये काल एक खलनायक की तरह तुमसे तुम डील कर रहा है, एक विलियन की तरह तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहा है, डील कर रहा है। इसने पूर्ण परमात्मा की महिमा समाप्त कर रखी है, आध्यात्मिक ज्ञान को त्रोड़ मरोड़ कर भगत समाज में प्रवेश करवा रखा है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी कबीर साहिब जी ने आकर के हमारे इस अज्ञान को हटाया। कलयुग के अंदर परमात्मा सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पूर्व डेढ़ घंटा पहले के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, कमल के फूल पर आकर के नवजात शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, विराजमान हुए। वहाँ से नीरू नीमा नामक एक जुलाह दंपति जो निसंतान थे परमात्मा को ले आए। परमात्मा की परवरिश एक कुंवारी गाय से हुई, क्योंकि परमात्मा कबीर जी ने दूध और अन्न जल बिल्कुल ग्रहण नहीं किया 25 दिन तक। उसके बाद भगवान शिव जी शिवलोक से आए एक साधु रूप बना कर। नीरू नीमा उसी जन्म में पहले वो ब्राह्मण थे, मुसलमानों ने जबरदस्ती उनको मुसलमान बना दिया था, फिर वो जुलाहे का कार्य करने लग गए। 20-25 वर्ष उनको मुसलमान बने हो गए थे, फिर भी भगवान शंकर की चाह उनकी महिमा उनके हृदय से हटी नहीं थी, भले ही वो मुसलमान बन गए थे। इसी आधार से नीमा ने अपने भगवान शंकर को पुकारा करती थी, जिस कारण से भगवान शिव जी उस आत्मा के दुख को सुनकर आए। नवजात शिशु 25 दिन के बच्चे को शिव भगवान ने अपनी गोदी में लिया। उस 25 दिन के बच्चे ने यानी शिशु रूप में प्रकट परमात्मा ने शिव जी से कहा कि आप इनसे कहो एक कुंवारी गाय ले आवें। अपुनात्माओं, ये बात कबीर परमात्मा पहले भी कह सकते थे नीरू और नीमा को, तो वो ज़्यादा डर जाते हुए ये सोचते कि इसमें कोई भूत बोला है। और उस दिन जब नीरू नीमा ने सुना शंकर भगवान जी खड़े थे साधु रूप में, तो कबीर परमेश्वर की और शिव जी भगवान की 7 बार वार्ता हुई। इस लीला को नीरू और नीमा ने साधु रूप में प्रकट उस भगवान शिव की ही करामात समझी कि इस संत की कृपा से बच्चा बोल रहा है। कुंवारी गाय मंगाई गई बच्चिया, परमात्मा के आदेश अनुसार भगवान शिव जी ने उसके कमर पर हाथ रख दिया।
अपने आप दूध थनों से